अध्याय 8। सो अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। जीवन के आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया, क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर ना कर सकी उसको परमेश्वर ने किया, अर्थात अपने ही पुत्र को पापमय शरीर की समानता में और पाप के बलिदान होने के लिए भेजकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी, इसलिए कि व्यवस्था की विधि हम में जो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं पूरी की जाए। क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और ना हो सकता है। और जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते, परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वो उसका जन नहीं, और यदि मसीह तुम में है तो देह पाप के कारण मरी हुई है परंतु आत्मा धर्म के कारण जीवित है। और यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया वो तुम्हारी मरणहार देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। सो हे भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटे, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं, क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु ले पालकपन की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारते हैं। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं, और यदि संतान हैं तो वारिस भी, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस हैं, जबकि हम उसके साथ दुख उठाएं कि उसके साथ महिमा भी पाएं। क्योंकि मैं समझता हूं कि इस समय के दुख और क्लेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है, क्योंकि सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बात जो रही है। क्योंकि सृष्टि अपनी इच्छा से नहीं पर अधीन करने वाले की ओर से व्यर्थता के अधीन इस आशा से की गई कि सृष्टि भी आप ही विनाश के दासत्व से छुटकारा पाकर परमेश्वर की संतानों की महिमा की स्वतंत्रता प्राप्त करेगी। क्योंकि हम जानते हैं कि सारी सृष्टि अब तक मिलकर कहरती और पीड़ाओं में पड़ी तड़पती है, और केवल वही नहीं पर हम भी जिनके पास आत्मा का पहला फल है, आप ही अपने में कहरते हैं और लेपालक होने की अर्थात अपनी देह के छुटकारे की बाट जोहते हैं। आशा के द्वारा तो हमारा उद्धार हुआ है, परंतु जिस वस्तु की आशा की जाती है यदि वो देखने में आए तो फिर आशा कहां रही? क्योंकि जिस वस्तु को कोई देख रहा है उसकी आशा क्या करेगा? परंतु जिस वस्तु को हम नहीं देखते यदि उसकी आशा रखते हैं तो धीरज से उसकी बाट जोहते भी हैं। इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते
कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है, और मनों का जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है, क्योंकि वो पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं, क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हूं, ताकि वो बहुत भाइयों में पहिलौठा ठहरे। फिर जिन्हें उसने पहले से ठहराया उन्हें बुलाया भी, और जिन्हें बुलाया उन्हें धर्मी भी ठहराया है, और जिन्हें धर्मी ठहराया उन्हें महिमा भी दी है। सो हम इन बातों के विषय में क्या कहें? यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? जिसने अपने निज पुत्र को भी ना रख छोड़ा परंतु उसे हम सबके लिए दे दिया, वो उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों कर ना देगा? परमेश्वर के चुने हुओं पर दोष कौन लगाएगा? परमेश्वर वो है चोन को धर्मी ठहराने वाला है, फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? मसीह वो है जो मर गया वरन मुर्दों में से जी भी उठा और परमेश्वर की दाहिनी ओर है और हमारे लिए निवेदन भी करता है। कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या क्लेश या संकट या उपद्रव या अकाल या नंगाई या जोखिम या तलवार? जैसा लिखा है कि तेरे लिए हम दिन भर घात किए जाते हैं, हम वध होने वाली भेड़ों की नाई गिने गए हैं। परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से भी बढ़कर हैं, क्योंकि मैं निश्चय जानता हूं कि ना मृत्यु ना जीवन ना स्वर्गदूत ना प्रधानताएं ना वर्तमान ना भविष्य ना सामर्थ ना ऊंचाई ना गहराई और ना कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु मसीह यीशु में है अलग कर सकेगी।